भारत बनाम अफगानिस्तान के अंदर पहला T20 मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। तो आज की इसी वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान के अंदर होने जा रही है पहला T20 की मैच की प्लेइंग 11, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या है, मुकाबला कहां पर खेला जाएगा, मुकाबला हम लोग किस पर लाइव देख सकते हैं, तो सबके ऊपर करेंगे आज की इसी वीडियो में चर्चा ही बात है। तो आप लोग क्या करना है, इसी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहेगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों इन बात आप सभी जानते हो कि भारत और अफगानिस्तान के अंदर 3 T20 सीरीज के आगाज कर दिया गया है, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ नहीं नजर आएंगे, तो हार्दिक पांड्या नहीं नजर आएंगे, तो सूर्य कमल यादव नहीं नजर आएंगे। ये तीनों स्टार इंजरी के चलते बाहर हो चुके। तो फिर से हम सभी को रोहित शर्मा T20 की कप्तानशिप करते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 सीरीज में नजर आएंगे। और भारत और अफगानिस्तान के अंदर ये मुकाबला भारत में ही खेला जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान के अंदर 3 T20 सीरीज की पहला T20 खेला जाएगा 11 जनवरी भारत समय अनुसार। ये मुकाबला हम सभी को शाम के 7 बजे नजर आएंगे। तो ये मुकाबला हम सभी लोग को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पर देख सकती है, ये मुकाबला हम लोग लाइव देख सकती है जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों दोनों देशों के अंदर ये मुकाबला काफ़ी टक्कर होने वाली है, काफ़ी शानदार होने वाली है। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से दोस्तों हम सभी को बड़ी बड़ी खिलाड़ी भी है, यानी विराट कोहली रोहित शर्मा जैसी बड़ी बड़ी सितारों भी इस स्क्वाड में शामिल है। ऐसे में प्लेइंग 11 क्या होगी और प्लेइंग 11 में कौन सी परिवर्तन रोहित करेंगे, कौन कौन सी खिलाड़ी को रोहित अपनी प्लेइंग 11 में जगह देंगे, पिच रिपोर्ट क्या है, सभी के ऊपर आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा क्या T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को कप्तानशिप करने के लिए मौका मिलना चाहिए या रोहित शर्मा को मिलना चाहिए। आप लोग इस बात को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों आप लोग जानते हो कि भारत और अफगानिस्तान के अंदर पहला T20 मुकाबला 11 जनवरी यानी कल खेला जाएगा, कि आज भी वीडियो शूट कर रहा है 10 तारीख आज है, तो कल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप सभी के बताने जा रहे हो कि भारत और अफगानिस्तान के अंदर ये मुकाबला हम सभी लोगों को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पर देख सकती है। लेकिन प्लेइंग 11 क्या होगी, भारत की प्लेइंग 11 में हम सभी को रोहित शर्मा नजर आएंगे, जो कि धुआंधर बल्लेबाजी करी और उनके आंकड़े को अगर उठाकर देखें तो बहुत बढ़िया है। और हिटमैन रोहित शर्मा भी बहुत बेस्ट राइड के साथ बल्लेबाजी करी, तो उनके साथ हम सभी को यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को लेकर दोनों बल्लेबाज आएंगे तो भारत की स्कोर बहुत बड़ी हो जाएगा। ऐसे में दोनों बल्लेबाज के पास भी बहुत बढ़िया काबिलियत है और दोनों बल्लेबाज अपने आपके साथ बहुत सारे समय बिता चुके हैं। वेस्ट इंडीज के दौरे पर जब भी भारत गई थी तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के अंदर बहुत बड़े पार्टनरशिप लगा था और दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करते हुए हम सभी को नजर आए थे। ऐसे में फिर से हम सभी को भारत में ही नजर आएंगे और भारत के पिच में ये दोनों बल्लेबाज तो तबाही कर देती है। ऐसे में दोनों बल्लेबाज हम सभी को ओपनिंग के तौर पर निश्चित तौर पर नजर आएंगे। तो टॉप ऑर्डर में हम सभी को विराट कोहली नजर आएंगे, यानी नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए टॉप ऑर्डर में विराट कोहली नजर आएंगे। और विराट कोहली के आंकड़े अगर उठाकर देखें तो विराट कोहली बहुत बड़े फॉर्म से गति कर रही है, तो विराट कोहली हम सभी को निश्चित तौर पर नजर आएंगे नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, और उनके जगह पर और कोई भी खेल सकता है मेरे को लग रहा है। तो ये तीनों हम सभी को टॉप ऑर्डर में नजर आएंगे। तो मध्य क्रम में आ जाते हैं, मिडिल ऑर्डर के ऊपर आ जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में हम सभी को तिलक वर्मा नंबर 4 के ऊपर नजर आएंगे। तिलक वर्मा बहुत बड़े फॉर्म से गति करे और तिलक वर्मा मध्य क्रम के लिए बहुत बड़े परफेक्ट बल्लेबाज मेरी सूची में आती है, क्योंकि तिलक वर्मा के पास बहुत बड़ी अटैकिंग पारी है जो कि बहुत बल्लेबाजी करके दिखाती हैं और कभी कभार भी गेंदबाज भी कर लेती हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो तिलक वर्मा हम सभी को नंबर 4 के ऊपर नजर आएंगे। तो नंबर 5 के ऊपर भाई साहब रिंकू सिंह नजर आएंगे, जो कि रिंकू सिंह नंबर 5 के ऊपर आएंगे और मैच को फिनिश करके ले जाएंगे, क्योंकि 5वें स्थान पर मध्य क्रम में अगर खेलाएंगे उनको बहुत बढ़िया खेलेंगे। तो रिंकू सिंह निश्चित तौर पर हम सभी को नजर आएंगे, क्योंकि उनके फॉर्म से भी बहुत बढ़िया चल रही है और फॉर्म के साथ साथ उनके स्ट्राइक के साथ साथ बहुत बढ़िया लाजा बल्लेबाजी कर रही है और उनकी जगह भी कोई नहीं छीन सकता। और रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए तो नहीं, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो नंबर 5 के बाद नंबर 6 के ऊपर हम सभी को विकेट कीपर बल्लेबाज यानी संजय सैमसन इधर जीते शर्मा, मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा पॉपुलरिटी होता, मेरे को लग रहा है कि जीते शर्मा कम मौका मिलना चाहिए। जीते शर्मा जो कि युवा खिलाड़ी है यानी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, T20 के बहुत बड़े बादशाह है और T20 में बहुत बेस्ट टाइगर के साथ बल्लेबाजी कर रही है। मेरे को नहीं लग रहा कि संजू खिलाएंगे, लेकिन जीते शर्मा इज द बेस्ट, जीते शर्मा हम सभी को नजर में आ सकती है। ऐसे में विकेट कीपर के बाद मध्य क्रम में हम सभी को ऑलराउंडर की परिणी बात हुई, हम सभी को शिवम दुबे नजर आएंगे, जो कि बहुत बेस्ट स्ट्राइकर के साथ बल्लेबाजी करी और शिवम दुबे की लंबी लंबी छक्का बहुत बड़ी बड़ी लग जाती है और उनकी गेंदबाजी भी हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि अभी भी रणजी ट्रॉफी में बहुत बड़े फॉर्म से गति कर रहे शिवम दुबे। तो शिवम दुबे के बाद हम सभी का अक्षर पटेल निश्चित तौर पर नजर आएंगे, जो कि दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, जो कि बहुत बड़ी गेंदबाजी करती है और उसके साथ साथ बल्लेबाजी करके
हैं, भारतीय टीम के रन स्कोर को थोड़ी सी ऊपर भी कर देते हैं। ठीक है, अक्षर पटेल के बाद हम सभी को प्लेइंग 11 में मुकेश कुमार नजर आएंगे, जो कि फास्ट बॉलिंग गेंदबाजी करते तो उनके पास बहुत बढ़िया गेंदबाजी अटक भी है, तो हम सभी को ये तो निश्चित रूप नजर आएंगे जो कि फास्ट बॉलिंग करते हुए। और मुकेश कुमार के बाद हर्षदीप सिंह नजर आएंगे, जो कि बहुत बड़े खूंखर गति से गेंदबाजी करते, ये बात आप सभी जानती हो। तो हर्षदीप सिंह के बाद हम सभी को प्लेइंग 11 के अंदर आवेश खान नजर आएंगे, आइदर दोस्तों हम सभी को कुलदीप यादव नजर मार सकते हैं। तो ये बन सकती है भारतीय टीम की 11 खतरनाक प्लेइंग 11। और पिच की अगर बात की तो पिच तो बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, तो इस पिच पर फास्ट बॉलिंग को ज्यादा मौका मिल चुका है, यानी ज्यादा दोस्तों विकेट मिल चुका है, तो ज्यादा प्रोवाइड है फास्ट बॉलिंग को, तो फास्ट बॉलिंग बहुत बड़े विकेट दिलाएंगे। उसी के साथ इस मुकाबला में अगर बात की जाए तो कौन सी टीम जीतेंगे, तो भारतीय टीम तो जीतेंगे ये तो पूरी की पूरी कन्फर्म है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि छोटी टीम भी बड़ी टीम को हराते हुए हम लोग बहुत सारे मुकाबले देख चुके हैं। ऐसे में इस मुकाबला की बात की जाए तो ग्राउंड जो बोल रही है तो चेस फास्ट चेस इस दो मैच हुई नहीं, यानी चेस करके जो टीम खेलेगा उस टीम जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी 60% से भी ज्यादा हो जाती है। आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रिकेट प्रेडिक्शन के साथ हर वक्त जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।